वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश एलिवेशन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज के कुछ सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस के साथ। मैंने रोटियों के लिए आटा लगा लिया है। आई हैव नीडेड द डो फॉर द फ्लैट ब्रेड्स। आई हैव नीडेड द डो फॉर द फ्लैट ब्रेड्स। फ्लैट ब्रेड्स मतलब इंडियन रोटियाँ। अगला सेंटेंस है, मुझे तो खाने में गर्मा गर्म सिकी हुई फूली फूली रोटियाँ ही पसंद हैं। I prefer to eat hot, freshly cooked, puffed up rotis. I prefer to eat hot, freshly cooked, puffed up rotis. रोटीज की जगह आप फ्लैट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। रोटियों पर घी लगाकर रखने से रोटियां लंबे समय तक मुलायम बनी रहती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं। होता है ना, जब रोटियों पर घी लगाते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट बनी रहती है काफ़ी टाइम तक। तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, बाई अप्लाइंग घी ऑन द रोटीज एंड स्टोरिंग दैम दे स्टे सॉफ्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड टेस्ट बेटर एज वेल। बाई अप्लाइंग घी ऑन द रोटीज एंड स्टोरिंग दैम दे स्टे सॉफ्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड टेस्ट बेटर एज वेल। मेरा बड़ा परिवार होने की वजह से मुझे बहुत सारी रोटियाँ बेलनी पड़ती हैं। सिंस आई हैव अ लार्ज फैमिली आई हैव टू रोल आउट अ लॉट ऑफ रोटीज। रोटी बेलने को कहते हैं रोल आउट। तो यहाँ पे जैसे रोटीज लिखा हुआ है, इसकी जगह हम फ्लैट ब्रेड्स भी यूज कर सकते हैं, दोनों अपनी जगह सही है। और इंडियन रोटीज को बोला जाता है इंडियन फ्लैट ब्रेड। कुछ लोग तो किचन स्लैब पर ही अपनी रोटियाँ बेल लेते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा चकले पर ही अपनी रोटियाँ बेलती हूँ। सम पीपल रोल देयर रोटी डायरेक्टली ऑन द किचन स्लैब बट आई ऑलवेज रोल माइन ऑन अ रोलिंग बोर्ड। सम पीपल रोल देयर रोटी डायरेक्टली ऑन द किचन स्लैब बट आई ऑलवेज रोल माइन ऑन अ रोलिंग बोर्ड। रोलिंग बोर्ड मतलब जिसमें हम रोटियाँ रख के जिस बोर्ड पर बेलते हैं उसे रोलिंग बोर्ड कहते हैं। अगला सेंटेंस है, चिमटे की सहायता से रोटियों को अलट पलट कर अच्छे से सेक लेती हूँ। विद द हेल्प ऑफ टोंग्स आई फ्लिप एंड कुक द रोटीज वेल। विद द हेल्प ऑफ टोंग्स आई फ्लिप एंड कुक द रोटीज वेल। फ्लिप का मतलब होता है अलट पलट कर सेकना, और सेकने के लिए यहाँ पर कुक वर्ड को यूज किया गया है, और चिमटे के लिए यूज होता है टोंग्स। बरसात के मौसम में बरसात के पानी और कीचड़ से फिसलन हो जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन रेन वाटर एंड मड कॉज स्लिपरीनेस। ड्यूरिंग द रेनी सीजन रेन वाटर एंड मड कॉज स्लिपरीनेस। स्लिपरीनेस मीन्स फिसलन। जैसे बहुत कीचड़ होता है तो फिसल जाते हैं ना कई बार, तो वहाँ पे इस वर्ड को यूज कर सकते हैं फिसलन के लिए, स्लिपरीनेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, बरसात के मौसम में कई रंग बिरंगी छतरियाँ बाजार में देखने को मिलती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी कलरफुल अम्ब्रेलाज कैन बी सीन इन द मार्केट। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी कलरफुल अम्ब्रेलाज कैन बी सीन इन द मार्केट। फिसलने से बचने के लिए हमें गम बूट्स पहनना चाहिए बरसात में। टू अवॉइड स्लिपिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी शुड वियर गम बूट्स। टू अवॉइड स्लिपिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी शुड वियर गम बूट्स। गम बूट्स वाटर प्रूफ होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी पकड़ भी देते हैं। गम बूट्स आर नॉट ओनली वाटर प्रूफ बट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सीलेंट ग्रिप। गम बूट्स आर नॉट ओनली वाटर प्रूफ बट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सीलेंट ग्रिप। बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या अब आम बात हो गई है। वाटर लॉगिंग हैज बिकम अ कॉमन इश्यू ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वाटर लॉगिंग हैज बिकम अ कॉमन इश्यू ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जल भराव को इंग्लिश में कहते हैं वाटर लॉगिंग। फिलहाल तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम हीडिंग टू द ऑफिस। एज ऑफ नाउ आई एम हीडिंग टू द ऑफिस। अगला सेंटेंस है, अभी तो मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ पर घर पहुँचते ही मैं उसको फोन कर लूंगी। एज ऑफ नाउ आई हैव लेफ्ट फॉर होम बट आई विल कॉल हिम एज सून एज आई रीच होम। एज ऑफ नाउ आई हैव लेफ्ट फॉर होम बट आई विल कॉल हिम एज सून एज आई रीच होम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू लीड मी एस्ट्रे। डोंट ट्राई टू लीड मी एस्ट्रे। तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो। Why are you being so edgy? Why are you being so edgy? अपनी बात में वजन रखो। Make your opinion count. Make your opinion count. यानी जो भी तुम अपना ओपिनियन देते हो उसको लोग वैल्यू करें। इसका मतलब यहाँ पर यही है, वजन रखने का मतलब जो भी आप बात करते हैं उसकी वैल्यू की जाए, उसको काउंट किया जाए उस ओपिनियन को। तुम आगे आगे बोलते हो। You speak out of turn. कुछ लोग होते हैं ना जो हर बात में आगे आगे बोलते हैं, बोलने से पहले सोचते हैं और जल्दी खुद ही बोल देना चाहते हैं, तो वहां पर हम इस तरह से यूज करते हैं तुम बहुत आगे आगे बोलते हो। यू स्पीक आउट ऑफ टर्न।
अगला सेंटेंस है, उसे भी कम मत समझो, उसने तो घाट घाट का पानी पी रखा है। कम समझने के लिए कहते हैं हम किसी को कम अपने समझते, तो अंडर एस्टिमेट वर्ड को यूज करते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम, ही हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने वाला पर्सन। और अगर इसे इडियोमेटिक वे में बोलना हो तो यहाँ पर अराउंड द ब्लॉक वर्ड को यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है घाट घाट का पानी पीना। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम, ही इज बीन अराउंड द ब्लॉक। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम, ही इज बीन अराउंड द ब्लॉक। अगला सेंटेंस है, उसके दिमाग का कुछ पता नहीं है, जो उसके मुंह में आता है वह बकता चला जाता है। देर इज नो टेलिंग वर्ड्स ऑन हिज माइंड, ही जस्ट ब्लर्ट्स आउट वट एवर कम्स टू हिज माउथ। एक तो ये वे है कहने का, एक कॉमन वे है। और अगर इसे हम idiom के साथ यूज करें तो हम बोलेंगे ही इज अ लूज कैनन, ही जस्ट सेज वट एवर कम्स टू हिज माइंड। लूज कैनन का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसके दिमाग का ही नहीं पता होता कि वह कब कितना बोलेगा, और जब भी बोलेगा उसके बोलने से दूसरे पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे पर्सन के लिए हम लूज कैनन idiom को यूज कर सकते हैं। तो इसे हम इस दो तरीके से बोल सकते हैं, देर इज नो टेलिंग वर्ड्स ऑन हिज माइंड, ही जस्ट ब्लर्ट्स आउट वट एवर कम्स टू हिज माउथ। दूसरा वे है ये बोलने का, idiomatic वे ये है, ही लूज कैनन, ही जस्ट सेज वट एवर कम्स टू हिज माइंड। अगला सेंटेंस है, चाहे आंधी आए या तूफान, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कभी कभी बोलते हैं ना हम कभी कभी, तो उसके लिए हमें अगर जनरल वे में बोलना हो तो ऐसे बोलेंगे, नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल नेवर लीव योर साइड। नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल नेवर लीव योर साइड। और अगर idiom का यूज करना है तो इसके लिए idiom यूज होता है थ्रू थिक एंड थिन, जिसका मतलब होता है चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसी, जो कैसी भी डिफिकल्टी हो, मैं ऑलवेज आपके लिए लॉयल एंड सपोर्टिव ही रहूंगी। तो थ्रू थिक एंड थिन आई विल नेवर लीव योर साइड, थ्रू थिक एंड थिन आई विल नेवर लीव योर साइड। अगर जनरल वे में बोलना हो तो आप ऐसे बोलेंगे, और अगर idiom का यूज करना हो तो थ्रू एंड थिक का यूज करके सेंटेंस को हम बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट की फॉर्म में बोलेंगे तब कैसे बोलेंगे, और जब हम किसी को जैसे ऑर्डर दे रहे थोड़ी देर के लिए रुक जाओ तब कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे अगर हम ऑर्डर देते तब बोलेंगे होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। और अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ तब हम कहेंगे कुड यू प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, कुड यू प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। मैं कुछ ही समय में जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी, आई विल बी रेडी टू गो इन नो टाइम, आई विल बी रेडी टू गो इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है कुछ ही समय में, या बिल्कुल ही बहुत तेजी से तैयार हो जाऊंगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगी। इसके लिए हम इन नो टाइम को यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं पलक झपकते ही तैयार हो जाऊंगा। पलक झपकने का मतलब एकदम क्विकली तैयार हो जाऊंगा। आई विल बी रेडी इन अ फ्लैश, आई विल बी रेडी इन अ फ्लैश। इन अ फ्लैश एक idiom है जिसके मतलब होते हैं क्विकली या फिर सडनली, तब हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, इस वर्ड को यूज कर सकते हैं इन अ फ्लैश। तो ये एक idiom है, जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस मिले तो हम इस idiom को भी यूज कर सकते हैं, आई विल बी रेडी इन अ फ्लैश। अगला सेंटेंस है, जब देखो तब मोबाइल से ही चिपकी रहती हो। होता है ना कई बार कह देते हैं मोबाइल से चिपकी रहती हो, या टीवी से चिपकी रहती हो, फोन से चिपकी रहती हो। तो इसे हम ऐसे बनाएंगे, यू आर ऑलवेज ग्लूड टू योर फोन, यू आर ऑलवेज ग्लूड टू योर फोन। और ऐसे भी बना सकते हैं, वेन एवर आई सी यू, यू आर ग्लूड टू योर मोबाइल फोन, वेन एवर आई सी यू, यू आर ग्लूड टू योर मोबाइल फोन। यहाँ तमाशा खड़ा मत करो, डोंट मेक अ सीन हियर, डोंट मेक अ सीन हियर। मेक की जगह आप क्रिएट भी यूज कर सकते हैं, तब ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, डोंट क्रिएट अ सीन हियर, डोंट क्रिएट अ सीन हियर। परीक्षा के चक्कर में मैं सो नहीं पाया, आई कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ द एग्जाम्स, आई कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ द एग्जाम। परीक्षा के चक्कर का मतलब परीक्षा की वजह से, तो इसके लिए यहाँ पर बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे। तुम्हारे चक्कर की वजह से मुझे पीट दिया गया, आई गॉट बीटन अप बिकॉज ऑफ यू, आई गॉट बीटन अप बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारे चक्कर में ही उसका हार्ट टूट गया, चक्कर मतलब तुम्हारी वजह से उसका हार्ट टूट गया। ही ब्रोक हिज हैंड बिकॉज ऑफ यू, ही ब्रोक हिज हैंड बिकॉज ऑफ यू। और ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं, ही ब्रोक हिज हैंड बिकॉज ऑफ योर एंटिक्स, एंटिक्स का मतलब तुम्हारी हरकतों की वजह से, एंटिक्स का यहाँ पे यही मतलब होगा, हरकतों की वजह से। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ही ब्रोक हिज हैंड बिकॉज ऑफ योर एंटिक्स, ही ब्रोक हिज हैंड बिकॉज ऑफ योर एंटिक्स। तुम्हारे चक्कर में वह फेल हो गया, कहते हैं ना कई बार हम लोग इस तरह से कि तुम्हारे चक्कर में वह फेल हो गई, ही फेल बिकॉज ऑफ यू, ही फेल बिकॉज ऑफ यू। ये थे आज के हमारे डेली यूज कुछ सेंटेंसेज, उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये पसंद आए हों आपको तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।